बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लाइट। उस वक्त लाइट अपने स्कूल में होता है, तब अचानक ही मौसम चेंज हो जाता है, हवाएं चलने लग जाती हैं और एक आसमान से बुक आके नीचे गिरती है। वो बुक लाइट को मिल जाती है, लाइट उसको चेक करता है फिर अपने पास रख लेता है। यहाँ पे लाइट ये जान पाता है कि ये कोई आम बुक नहीं है। तभी वहाँ पे बारिश होने लग जाती है और लाइट अंदर की तरफ भागता है। तभी वहाँ पे वो देखता है स्कूल का एक शरारती लड़का एक दूसरे लड़के को तंग कर रहा है। लाइट उस लड़के से तंग करने के लिए मना करता है। वो लड़का लाइट को पंच मार देता है। लाइट के साथ साथ उसका बैग भी नीचे गिर जाता है। एक टीचर को दूसरे स्टूडेंट के होमवर्क मिल जाते हैं। यहाँ पे लाइट का ये सीक्रेट खुल जाता है कि वो दूसरे स्टूडेंट के होमवर्क करता है। इस बात की वजह से लाइट को प्रिंसिपल के पास भेजा जाता है। उसके बाद लाइट को पनिशमेंट दी जाती है और रूम में अकेला लाइट को रखा जाता है। जब वो अकेला बैठा होता है तो उसको वो बुक याद आ जाती है। फिर लाइट उस बुक को निकाल के पढ़ने लगता है और ये कोई बुक सिंपल नहीं थी, यानी कि इस बुक को रखने के रूल और असूल थे। ये बुक सदियों पुरानी थी। इस बुक को पा के लाइट को बहुत अजीब सा फील होता है। जब लाइट उस बुक को पढ़ता है तो वहाँ पे कुछ अजीब होना शुरू हो जाता है। वहाँ पे लाइट एक अजीब सी चीज को नोटिस करता है जो वहाँ पे एक इंसान नहीं था, बिल्कुल एक लेजेंड था। उसकी बॉडी की स्किन जो थी बहुत नोकदार थी और वो बहुत डरावना दिखता था। लाइट उसको देख के बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन बाद में लाइट को सारी बात समझ में आ जाती है। ये कोई एंजेलेट नहीं, नॉट इज डेथ है, यानी कि मौत का फरिश्ता। एंजेलिस नॉट डेथ का किताब का मालिक है। एंजेलिस नॉट डेथ इस बुक की रियलिटी बताता है, ये क्या क्या कर सकती है। इस बुक के अंदर कुछ ऐसे नोट्स हैं जिन्हें डेथ्स नोट कहा गया है। जिस इंसान के पास ये बुक होती है वही इसका ओनर होता है, यानी कि इस बुक का ओनर लाइट था। इस बुक की बड़ी बात यह है कि इस डेथ के नोट के ऊपर किसी का भी नाम लिखा जाएगा वो मर जाएगा। बुक का मालिक अपनी पसंद के तरीके से किसी को भी मार सकता है। लाइट वो कोई भी तरीका चूज करके इस बुक के अंदर लिख दे, मरने वाला सेम उसी मेथड से ही मरेगा। लेकिन ऐसा कुछ करने से पहले ओनर को कुछ रूल को फॉलो करना होगा। लाइट फिलहाल इस बात पे बिलीव नहीं करता। बुक के साथ जो एंजेलिस डेथ होता है वो सिर्फ उसी इंसान को नजर आता है जो बुक का ओनर होता है। इसके बाद एंजेलिस डेथ लाइट को बताता है कि 7 दिनों के अंदर एक आदमी का नाम लाजमी लिखना है, और अगर उसने ऐसा ना किया और किसी का नाम भी इसमें ना लिखा, ये बुक किसी और के पास फिर चली जाएगी। किसी का भी नाम लिखने की बुक में शर्त ये है, बुक के ओनर को नाम और फेस उसका पता होना चाहिए जिसका बुक में नाम लिखा जा रहा है, और मौत का एक कारण भी लिखा जाएगा। एंजेलिस डेथ लाइट को कहता है कि तुम्हें एक बार इस बुक को लाजमी आजमाना चाहिए। तभी लाइट विंडो से उस लड़के को देखता है जो लड़का शरारती होता है स्कूल में, और उस वक्त भी वो किसी लड़के को परेशान कर रहा होता है, और उसी लड़के ने उस लाइट को भी मारा था। एंजेलिस डेथ की बात मान के लाइट उस लड़के का नाम उस बुक के अंदर लिख देता है। उस लड़के की मौत का ये तरीका लिखता है, उसका सर क्रैश होगा। फिर हम बाहर का नज़ारा देखते हैं जो कि अचानक से बदल जाता है। 2 गाड़ियाँ आपस में टकरा जाती हैं और एक गाड़ी के अंदर सीढ़ी पड़ी होती है, और सच में वो सीढ़ी आके उस लड़के के सर में घुस जाती है। लाइट और वहाँ के काफ़ी सारे लोग देख के हैरान हो जाते हैं। ये सब कुछ देख के लाइट को भी यकीन आ गया था, जो कुछ भी एंजेलिस डेथ ने बताया है वो सच है। इसी वजह से लाइट काफ़ी डर जाता है। एंजेलिस डेथ लाइट को बताता है, तुम इस बुक की मदद से काफ़ी कुछ कर सकते हो। अगर तुम इस बुक को नहीं लेना चाहते तो मैं इस बुक का मालिक किसी और को बना दूंगा। इसके बाद लाइट अपने घर वापस आ जाता है। घर में हम लाइट के फादर को देखते हैं जो एक डिटेक्टिव होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ साल पहले एक किलर ने लाइट की मॉम का मर्डर कर दिया था, लेकिन सबूत ना होने की वजह से उस किलर को आज़ाद कर दिया जाता है। इस बात की वजह से बाप बेटे के बीच में आपस में रिलेशनशिप खास नहीं थे। लाइट अपने फादर से नाराज़ होता है, आप मेरी मॉम की मर्डर का बदला नहीं ले रहे। इस बात को लेके लाइट अक्सर एक्सेप्ट रहता था। फिर लाइट को एक आइडिया आता है, मैं उस क्रिमिनल का भी नाम डेथ नोट पे लिख देता हूँ। फिर लाइट ऐसा ही करता है, उस क्रिमिनल का नाम भी लाइट उस डेथ नोट में लिख देता है। फिर हमें वही क्रिमिनल दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ पार्टी कर रहा था। देखते ही देखते उस क्रिमिनल की अचानक से मौत हो जाती है। जब बाप बेटे को उस क्रिमिनल की खबर मिलती है वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। यहाँ पे लाइट ने अपनी मॉम का बदला भी ले लिया और लाइट और उसके फादर का रिलेशनशिप भी अच्छा हो गया। फिर लाइट सोचता है कि इस अच्छे कामों के लिए इस बुक को कैसे यूज़ किया जाए। फिर लाइट स्कूल में बैठे ये बात सोच रहा था, तभी लड़की आ जाती है एक लाइट के पास जिसका नाम होता है मियाँ।
मिया लाइट की बेस्ट फ्रेंड होती है, जिसकी वजह से लाइट उसको अपना सीक्रेट बता देता है। मुझे एक नोट डेथ बुक मिली है जिसपे किसी का भी अगर नाम लिख दे तो वो मर जाता है, लेकिन मियाँ उसकी इस बात का इतबार नहीं करती। इस बात को लेके लाइट एक मियाँ को न्यूज़ दिखाता है जहाँ पे एक किलर दिखाया जाता है। लाइट उसके बारे में डेथ नोट के अंदर लिख देता है एक गाड़ी उसको हिट कर देगी जिसकी वजह से वो मर जाएगा, क्योंकि लाइट उसका न्यूज़ में चेहरा और नाम देख लेता है। उसके बाद उसकी मौत ऐसी होती है जैसी लाइट ने लिखी थी। ये देख के मियाँ शॉक्ड आ जाती है। फिर मियाँ और लाइट एक प्लान बनाते हैं कि हम बड़ी ताकत के एक मालिक हैं और हम इस बुक की मदद से बुरे लोगों को इस दुनिया से मिटा देंगे। बुरे लोग यानी कि क्रिमिनल्स, किलर और ख़तरनाक जैसे लोगों को, और अब वो इंटरनेट से नाम और चेहरे इजीली ढूंढ सकते थे। इसीलिए वो बुरे लोगों की नाम की एक लिस्ट बना लेते हैं और बुरे लोग आस्ता आस्ता मरने भी लग जाते हैं। यहाँ पे हम ये भी जान पाते हैं मरने वाले के दिमाग पे लाइट कंट्रोल भी कर सकता है। उसके बाद लाइट एक नाम डिसाइड करता है और वो नाम होता है कीरा। यानी कि वहाँ जब भी कोई मरता था तो लाइट लिखता था वहाँ कीरा, ताकि बुरे लोगों के दिल में कीरा का नाम बैठ जाए और वो गलत काम छोड़ दे। और देखते ही देखते पूरी दुनिया में ये खबर वायरल हो जाती है कि कीरा नाम का सीरियल किलर आ गया है जो सबको मारता जा रहा है, और कुछ लोग तो कीरा को सपोर्ट भी कर रहे थे। इससे कम से कम दुनिया के बुरे लोग तो ख़त्म होंगे, क्योंकि था तो वो किलर ही। पुलिस उसे ढूंढना चाहती थी क्योंकि कोई भी सबूत लाइट के खिलाफ नहीं था, उस तक पहुंचना मुश्किल था। फिर एक दिन एजेंट डिटेक्टिव को हायर किया जाता है। इस डिटेक्टिव का नाम होता है एल, जो कि काफ़ी स्मार्ट होता है, जो वो अपने फेस को कवर रखता था और उसका ओरिजिनल नाम भी कोई नहीं जानता था। लाइट और मियाँ अपनी लाइफ में काफ़ी खुश थे और 400 से ज़्यादा लोगों को वो मार चुके थे। एल कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करता है कि कीरा सबके सामने आ जाओ। एल क्योंकि काफ़ी स्मार्ट था, इस केस के शुरू से स्टार्ट से ही देखता है, क्योंकि लाइट के फादर भी डिटेक्टिव थे। एल भी उसको अपने साथ मिला लेता है ताकि जल्द से जल्द वो कीरा तक पहुंच जाए। लाइट और मियाँ काफ़ी अलर्ट हो जाते हैं। लाइट ने क्योंकि ये ना सोचा था कि हमें पकड़ने की साजिश भी की जाएगी, क्योंकि अभी तक तो वो मज़े में थे, क्योंकि एल की एंट्री ने काफ़ी इनकी टेंशन को बढ़ा दिया। लाइट अपने फादर से पूछता है कि अगर कीरा को पकड़ लिया तो उसके साथ क्या किया जाएगा। लाइट के फादर कहते हैं कि आधे लोग कहेंगे कीरा को फांसी दो, और जबकि आधे लोग कहेंगे कि ये सब कुछ इसने कैसे किया, इस बात पर रिसर्च की जाए। ये सुन के लाइट की टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये बात लाइट मियाँ को भी बताता है और उसे कहता है कि अब हमें ये सब कुछ स्टॉप कर देना चाहिए। एल के शक के दायरे में बहुत सारे लोग थे और उसमें लाइट भी शामिल था, क्योंकि वो अपने फादर के डेटा को ईजीली एक्सेस कर सकता था। इसीलिए एल एक एजेंट को लाइट के पीछे लगा देता है, क्योंकि वो लाइट की एक्टिविटी पे नज़र रख सके, और जब लाइट को इस बात का अंदाज़ा होता है तो वो खुद को नॉर्मल रखता है। बुक में लाइट का इंटरेस्ट कम होता हुआ मियाँ देखती है तो मियाँ को बुरा लग जाता है, क्योंकि वो काफ़ी एंजॉय कर रही थी। लाइट और मियाँ के रास्ते में पत्थर एल बन गया था, क्योंकि वो चाह के भी एल को नहीं मार सकते थे, क्योंकि उसका ओरिजिनल नेम भी वो नहीं जानते थे, ना ही उसकी कभी शक्ल देखी थी, जो कि बुक का रूल भी था। लाइट और मियाँ इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जो एजेंट इनको ढूंढ रहे हैं उन एजेंट का नाम भी इस बुक में लिख दिया जाए और इससे बाकी एजेंट भी डर जाए, और ताकि इस केस को उनको मजबूरन बंद करना पड़ जाए। और ये सब कुछ मियाँ करना चाहती थी, और लाइट ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, क्योंकि लाइट अच्छे लोगों की जान नहीं लेना चाहता था। इसीलिए मियाँ को भी ये बात लाइट की माननी पड़ती है और उस पर ये एग्री करती है। दूसरी तरफ एल को ये भी पता चल जाता है कीरा ने सिर्फ उन लोगों को अपना विक्टिम बनाया है जिन लोगों को टीवी पे दिखाया गया है, और कीरा उन लोगों को नहीं मार सकता जिन लोगों के वो नाम और चेहरे नहीं जानता। उसके बाद लाइट को दिखाया जाता है कि जो लाइट डिसाइड करता है कि अब कुछ दिन वो लोगों को नहीं मारेगा, और एक दिन ऐसा एक एक्सीडेंट हो जाता है, वो सारे एजेंट बिल्डिंग से कूद के सुसाइड कर लेते हैं जो कि वो कीरा को ढूंढ रहे होते थे। और ये लाइट ने बुक में नाम लिखे तो नहीं थे, तो ये फिर नाम किसने लिखे थे? और यहाँ से अब सिचुएशन ख़राब हो जाती है, क्योंकि अब तक कीरा सिर्फ बुरे लोगों को मारता हुआ आ रहा था और जो सब उसको हीरो समझ रहे थे, लेकिन अब तो उसने पुलिस को भी मार दिया, इसलिए अब वो हीरो नहीं लोगों के लिए ख़तरा बन गया जो किसी को भी मार सकता है। इस बात को लेके लाइट काफ़ी परेशान हो जाता है। वो एंजल एट डेथ से पूछता है, ये नाम तुमने तो नहीं लिखे, ये क्या सब कुछ तुमने तो नहीं किया? तब एंजल एट डेथ कहता है, ये नाम किसी और ने लिखे हैं,
क्योंकि ये काम मैं नहीं कर सकता। लाइट के फादर कॉन्फ्रेंस में कीरा को चैलेंज करते हैं कि अच्छे लोगों को मारना बंद कर दो, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ और सबके सामने आ जाओ। ये न्यूज़ मियाँ और लाइट भी देख रहे थे। गुस्से में मियाँ आके लाइट से कहती है, तुम अपने फादर का नाम भी इस बुक में लिख दो। लाइट मियाँ से कहता है कि मैं अपने फादर को कैसे मार सकता हूँ, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। उसके बाद एल को दिखाते हैं, जो एल बहुत ही समझदारी से इस केस को हैंडल कर रहा होता है। वो देखता है लाइट के फादर को भी कीरा मारेगा कि नहीं, मगर ऐसा नहीं होता क्योंकि लाइट के फादर अब नहीं मरते। जो एल का शक भी लाइट पे था, जो यकीन में बदल जाता है, जो कि लाइट के फादर इस केस को हैंडल कर रहे हैं, कीरा ने पर उसे नहीं मारा, यानी कि कीरा और नहीं लाइट ही है। इसीलिए एल रात को जाके लाइट से मिलता है और उसे बुलवाने की कोशिश करता है कि तुम ही कीरा हो। एल लाइट से काफ़ी क्वेश्चन करता है और उसे वो अपना फेस भी दिखा देता है और उससे वो कहता है कि ये सब कुछ करना बंद कर दो। लाइट उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अब खतरा लाइट के सर पे ही था क्योंकि वो चाहते भी एल को नहीं मार सकता था। उसके बाद मियाँ कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अब इस मुसीबत से निकलने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। एल को अपने रास्ते से हटाने के लिए लाइट काफ़ी सोचता है। उसे कहता है कि मैं एल का चेहरा तो देख ही चुका हूँ, मगर एल का ओरिजिनल नेम मैं नहीं जानता, लेकिन उसका फ्रेंड लाजमी जानता होगा। लाइट एल के फ्रेंड का नाम उस बुक में दर्ज कर देता है। उसके बाद एल का फ्रेंड लाइट के कंट्रोल में हो जाता है। अब यहाँ पे बुक का एक रूल और सामने आता है, अगर ओनर ने किसी के नाम के पेज को जला दिया, वो पर्सन बच जाएगा और उसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एंजल डेड लाइट को बताता है, ये सिर्फ एक ही दफ़ा होगा। अब एल का फ्रेंड लाइट के कंट्रोल में आ जाता है, लेकिन एल का नाम वो भी ओरिजिनल नहीं जानता था। लाइट उसे कहता है कि किसी तरीके से उसका ओरिजिनल नाम पता लगाओ। तब एल का फ्रेंड बताता है कि वो एक एकेडमी में जाता था, हो सकता है वहाँ के डॉक्यूमेंट में उसका नाम हो, इसीलिए लाइट उसे कहता है कि फ़ौरन एकेडमी जाओ। उसके बाद एल का फ्रेंड ऐसे ही करता है, वो एकेडमी में चला जाता है। लाइट का प्लान ये था कि उसका जब ओरिजिनल नाम पता लग जाएगा, वो उस पेज को जला देगा जिसपे एल के फ्रेंड का नाम लिखा हुआ है, जिससे उसकी जान बच जाएगी और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन एल को शक हो जाता है कि उसका फ्रेंड मिसिंग है। उसे सारी बात समझ में आ जाती है क्योंकि लाइट ने उसे भी कंट्रोल में ले लिया होगा मेरा असली नाम जानने के लिए। इससे एल परेशान हो जाता है, इसीलिए एल बिना बताए लाइट के घर आ जाता है। वो लाइट के फादर को कहता है, असल तुम्हारा बेटा ही कीरा है, इसी ने मेरे फ्रेंड को गायब भी किया हुआ है। लेकिन लाइट पे किसी को भी शक नहीं था क्योंकि उसके खिलाफ सबूत जो नहीं थे। एल फिर उसके घर की तलाशी लेता है, लेकिन एल को वहाँ कुछ भी नहीं मिलता और ना ही वहाँ पे उसको वो बुक मिलती है, क्योंकि मियाँ उस बुक को अपने साथ ले जाती है। फिर लाइट को एल की फ्रेंड की कॉल आती है कि मैं अकेडमी तक पहुँच गया हूँ, और उसके बाद उसका बस थोड़ा सा टाइम रह गया था और एल का फ्रेंड उसका नाम बताने वाला होता है। जब लाइट पेज को जलाने लगता है और वो देखता है कि वहाँ पे उसका पेज नहीं है बल्कि गायब हो चुका है, इसलिए नाम बताने से पहले ही एल की फ्रेंड की मौत हो जाती है। इस बात से लाइट को काफ़ी दुख होता है। फिर एक डांस पार्टी में मियाँ इस बात की रिलीज़ करती है, एल के फ्रेंड के नाम का पेज को मैंने ही पढ़ा था और तो और उस पुलिस के ऑफिसर एजेंट के नाम भी मैंने लिखे थे, और वो बताती है अब तो मैंने तुम्हारा नाम भी इसमें लिख दिया है। और लाइट की मौत का तरीका है कि आधी रात को उसकी हार्ट फीट बंद हो जाएगी और वो मर जाएगा। वो कहती है, अगर ये बुक तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हारे नाम के पेज को जला दूंगी। यानी कि मियाँ ने लाइट को अपने प्यार के जाल में फंसाया। और जब एल को अपने फ्रेंड की डेथ का पता चलता है, वो लाइट के पीछे पड़ जाता है। एल फिर लाइट को पकड़ ही लेता है। एल वहाँ खड़े शक को कहता है, ये कीरा है, मेरी पकड़ने में इसकी मदद करो। लेकिन वो शक एल को ही बेहोश कर देता है क्योंकि वो कीरा का सपोर्टर था। भागते भागते लाइट भी मियाँ को अपने साथ ले जाता है और वो दोनों एक झूले में आ जाते हैं और वो दोनों ऊपर जाके फंस जाते हैं। उसके बाद इतनी देर में वहाँ पुलिस भी आ जाती है। लाइट मियाँ से कहता है कि तुम अगर मुझसे प्यार करती हो तो इस बुक को तुम टच भी नहीं करोगी, हम एक होके सब कुछ नॉर्मल कर देंगे। लेकिन मियाँ लालची होती है और उसकी बात नहीं मानती। वो इस बुक को लाइट से छीन लेती है। ये देख के लाइट मियाँ से कहता है कि तुमने ये बहुत बुरा किया है। ये बात सुन के मियाँ समझ जाती है कि इस बुक में लाइट ने मेरा नाम भी लिख दिया होगा, और जबकि दोनों के नाम बुक में होते हैं तो दोनों नीचे गिर जाते हैं। मियाँ की तो मौके भी मौत हो जाती है और लाइट पानी में जाके गिरता है। फिर उसके बाद हम लाइट को हॉस्पिटल में देखते हैं।
जो कि कोमा में चला गया था। इसी दौरान और भी क्रिमिनल्स की मौत हो जाती है और लोग देखते हैं कि एल का शक तो लाइट पर था, लेकिन वो तो कोमा में चला गया, लेकिन लोग तो अभी भी मर रहे हैं। फिर हम देखते हैं मियाँ जब लाइट झूले से गिर रहे थे, उस दौरान वो पेज नीचे गिर के जल जाता है और उस पेज पे लाइट का नाम लिखा होता है, क्योंकि लाइट ने बड़ी समझदारी की थी। जब उसे पता लगा था मियाँ ने उसका नाम लिख दिया है, तो उसने बुक में ये लिखा, अगर मियाँ उसे ये बुक ले लेगी तो वो मारी जाएगी और वो पेज जिसमें लाइट का नाम लिखा हुआ है वो भी जल जाएगा और लाइट पानी में गिर जाएगा। इसी के साथ साथ लाइट ने बुरे लोगों के नाम भी लिख दिए थे। एक बुरा डॉक्टर लाइट को पानी से निकालता है और उसको वो कोमा में भेज देता है और वही डॉक्टर बाद में सुसाइड कर लेता है। फिर एक आदमी और उस बुक को लेता है और उसमें बहुत सारे बुरे लोगों के नाम लिख देता है। बाद में उस बुक को वो लाइट के पास ले आता है। लाइट भी अब कोमा से बाहर आ चुका था। इसके बाद एल को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन वो आखिरी बार मियाँ के घर की तलाशी लेता है और मियाँ के घर से वो कागज मिल जाता है जिसमें मरने वाले सारे ऑफिसर का नाम लिखा होता है, जिसकी वजह से सारा इल्ज़ाम मियाँ पे आ जाता है। और अब वो बुक लाइट के पास आ जाती है जब, और लाइट भी बिल्कुल ठीक हो चुका था, लेकिन लाइट को नसीहत हो गई थी अब की बार वो किसी पे भी इंटरेस्ट नहीं करेगा। और इसी के साथ फिल्म का यहीं पे एंड हो जाता है।